वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। पिशावर धमाके और कराची में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक अमल दरामद पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीरे आला भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। पिशावर धमाके और कराची में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक अमल दरामद पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीरे आला भी शरीक होंगे। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।